हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? नई दिन की नई शुरुआत देव बलोच ब्लॉग के साथ में हो गई है। सुबह लग गई हूँ अपने काम पे, तो मिलती हूँ आगे आपको भागा दौड़ी के साथ में। जिदान का नाश्ता चालू, मशीन लगा चुकी हूँ मैं, तो जिदान को भेजते भेजते आपके साथ में मिलती हूँ। जिदान निकल रहा है और अम्मा की चाय वो दे देगा नीचे। गर्म है, बेटू पकड़ के चलो। अब पैसा कौन लेके जाएगा? फ्री में जा रहा है आज स्कूल? नहीं नहीं नहीं, फ्री में जा रहा है तो बता दे मेरे को। मैं वही बोलूँ कि बिना पैसे लिए आज सूरज कहाँ से निकला? जिदान फटफट फटफट निकल चुका है। हाँ, मुझे 10 रुपये वापिस चाहिए जिदान। क्या बोल रही हूँ, और ऐसे भी जल्दी छूटने वाली स्कूल, क्या स्कूल का पता नहीं, संभाल के जाओ। अल्लाह हाफिज़। ये निकल चुका है गाइस, और ये महाराज आ गया है बाहर, तो हम चले अंदर क्योंकि बर्तन वगैरह मेरे पड़े हुए हैं, तो ये सारे निपटा दो क्योंकि गैस को तो धोखे हो चुका है, चाय भी हमारी हो चुकी है, तो मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस देखो, बूम्बी लाया है इसने अपने शाहरुख खान ने, और झींगा है। कितना बड़ा बड़ा है, कैसा वाटा दिया रे? 200 का वाटा। तो गरीब लोग की चाल में क्यों आता है तू? अमीर लोग की बिल्डिंग के नीचे बैठा कर, वहाँ पहले से किसी ने कब्जा जमाया है। और क्या है, बांगड़ा है और बोम्बिल है, दिखा जरा मेरी गाइस भी देखेगी। ओहो, अच्छा बोम्बिल मस्त मोटा मोटा है, मैंने भी ले लूँ। तो चलो मिलते हैं बनाते हुए। तो गाइस यहाँ पर बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर ली, आप देख सकते हो, क्योंकि काम निपटाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है फिर मुझे। तो गाइस बॉडी इधर पड़ी हुई आप देख सकते हो, और यहाँ आए हैं बनाने हुए, लाए है इसका डिस्प्ले। अब देखते हैं डिस्प्ले कितने दिन तक चलता है, क्योंकि 15 दिन तो हो गए हम लोग को इन्फॉर्म करके। आज आए हैं ये लोग सरप्राइज़ देने आए हैं हम लोगों को, अब देखते हैं कितने दिन तक ये चलता है टीवी। हेलो, तो यहाँ पे डिस्प्ले लग चुका है अभी टीवी की। हाँ, हम लोग पहली बार हुआ, टीवी था वो 9 साल चला हम लोग का। अच्छा, 9 साल में कभी उसने कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाया है? की वारंटी दिया है, बढ़ा दो मतलब पैसा भरते रहो लाइफ टाइम। तो और 2 साल और कितना पैसा भरना पड़ेगा? देखे, हाँ उसको जरा साइड कर देंगे और जरा टीवी को ऊपर लगा देंगे अभी। हाँ ब्लॉगर भैया, जरा ऊपर जा डस्टिंग कर दो, थोड़ा स्टाइन उस साइड कर लेना, उसको लग गई है टीवी ऊपर, अभी देखेंगे चालू करके क्या इसका है सिस्टम। दिखाए मत बाबा, अभी ठाकुर भी घर पे। तो गाइस टीवी चालू हो गई है, डिस्प्ले नया लग चुका है। पानी कैसा पी रही है, टप पे बैठ के पानी पी रही है। आज दूसरा बिल्ला रो रहा है, तेरे को कोई नहीं बुला रहा बेटा। अरे हसनैन है, वो आवाज निकाल रहा है, ये समझो कोई बिल्ला चिल्ला रहा है, इसको नहला दे चलो देव। तो गाइस पूरा घर मेरा हो गया है क्लीन, यहाँ रखे हैं कपड़े लपेटने के मेरे, स्नो भी आ गया है, पूरा घर देखो मेरा नीट एंड क्लीन, और बाहर का ओटा भी पोछ के हो चुका है, पूरी मतलब घर की साफ सफाई हो चुकी है, और टीवी तो ऑलरेडी बन चुकी है, और अपना खाना पकाने की तैयारी शुरू है। देखे बन रही है मच्छी, तो मच्छी पहले इसको चढ़ा दूंगी, फिर ये अपना मसाला गैस अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगी और अपना मसाला भूनते रहेगा, और मैं अपनी मच्छी साफ कर लूँगी। तो आपको मिलते हैं थोड़ी सी चाय एंजॉय करने के बाद। तो गाइस यहाँ पे अपना तेल गरम हो चुका है, यहाँ जा रहा है बघार, इससे क्या तड़का मार रहा है। आस्ते आस्ते, अभी गैस साफ करी थी भाई, जरा सिलो सिलो सजो, तो जो तड़का हो चुका है अब जा रहा है इसमें। ओ तेलो
मसाले उड़े तो इसको भूनते हुए मिलती हूँ फिर आपसे आगे। सारे मसाले तो डाल चुके हैं, सब डाल के ही मिक्सर में पीस ली थी मैंने। अब देखो ये मसाले डालूँ इसमें फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ सारे मसाले, अपना गैस अपना काम करेगा, इसको भुनेगा और मैं चली अपना काम करने, अपनी मच्छियों को साफ करने। गाइस यहाँ पे चावल भी रखती हूँ दम पे, स्लो हो जा भाई, ये तो मालूम पड़ा पूरा चावल जल जाएगा मेरे मच्छी को साफ करते हुए। तो गाइस यहाँ पे चाय इंजॉय हो चुके है और यहाँ पे वाह मसाले अच्छे भून रहे हैं और यहाँ पे मछली अपनी साफ हो चुकी है और यहाँ पे चालू है नाश्ता। आप देख सकते हो आज है पाव और बटाटे की भाजी, क्योंकि वो टीवी वाले आ गए थे ना, हम लोगों ने रोटी नहीं बनाई। और नमाज पढ़ के लोग आ चुके हैं, चलो आपसे आगे मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे सालन पूरा उबल चुका है, अब जाएगी इसमें मच्छी। बिस्मिल्लाह, सारी मछलियाँ मैंने धो के रखी थी यहाँ पे, तभी गैस का चूल्हा भी पूरा क्लीन करना पड़ेगा कि मच्छी बनी है तो घर में स्मेल आती है, तो पूरा भी धो धागे सब हटाना पड़ेगा मुझे। सारी मछलियाँ डाल दूँ क्योंकि मेरे जिदान का भी आने का टाइम हो गया, उसकी भी जल्दी छूटने वाली, पता नहीं उसकी क्यों जल्दी छूट रही है, बहुत सताता है आके, जाता भी तो जल्दी बच्चा मेरा। तो गाइज आपको बाद में मिलती पूरी मच्छियाँ में डाल के। तो गाइज देखो बच्चे का आने का टाइम हो गया, बारिश हो गई शुरू, उसे ना छाता लेके गया है ना कुछ, और यहाँ देखो ब्लॉगर भैया निकलने की तैयारी में, लोगों बारिश दिखी ना बस भीगने का मौका नहीं छोड़ते लोग। और यहाँ पे थोड़ा खाना हट रहे भाई मेरे, मेरे ब्लॉग के बीच में मत आया कर। ये थोड़ा बिरयानी गर्म हो रहा है क्योंकि अलाम पलों की गैस चले गई है और गैस मिल नहीं रही है, बाटले वाला पकड़ के लाना पड़ेगा या चूल्हे पे क्या खेल रहा है, तो ये गर्म करके देना पड़ेगा। तो मिलती हूँ आपको ये नीचे पहुँचा के। तो गाइस आ चुका है और इसको सर्दी इतनी हो चुकी है ना, क्योंकि बाहर का माहौल ना ठंडा गर्म होते जाए, इतनी सर्दी हो चुकी है ना जिदान, मैं तो बोलूँ थोड़ा आँख पे पानी डाल दे क्योंकि अभी भीग के आया है ना, थोड़ा सा तो भीगा है बेटा, बारिश है बाहर। अरे सुपर में बन के गया था क्या, बनीन की बनी सैंडो बनीन पहन के गया था, वाह बेटा वाह। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है लड़का, इसको बहुत ज़्यादा बुखार भी चढ़ा, सर्दी भी हो गई है क्योंकि 10-15 दिन हो चुके हैं ना, अभी डॉक्टर को पैसा तो अपने को लेना पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब जो हफ्ते की वीसी डाले ना हम लोगों ने वो तो कम्प्लीट ही करनी पड़ेगी। तो चलते हैं हम लोग भी सिद्धान को दवा खाना लेके, रात में अब नहीं अब रात में जाएंगे, अब तो बंद हो गई रहेगी नमाज पढ़ के, डॉक्टर चले गए रहेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपको आगे, बाहर जा रही हूँ, बाहर मतलब मार्केट जा रही है। अंधेरा देखो 6 बज रहा है 6 बजे, इतना अंधेरा हो चुका है, बारिश आने वाली है बहुत अच्छी खासी। ब्लॉगर भैया जरा सा अरे मुँह में घुसेगा क्या, मुँह में बैठ के ब्लॉग बनाएगा, ला खाता दे, अल्लाह हाफिज़। गाइस देख चुके हो बारिश क्या मस्त वाले शुरू है और भीगते हुए जाना पड़ता है, छाता लेंगे तो भी नीचे से भीग जाते, हाफ सिर्फ सर छुपता है बाकी पूरा बदन भीग जाता है छाते से। आ गई बारिश, हम लोग अब भाग रहे हैं यहाँ से क्योंकि बारिश तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, क्राउड भी ज़्यादा है। तो गाइस मैं आई तो देखी तो जिदान उठ चुका था, सर्दी बहुत हो गई, अभी बुखार भी चढ़ रहा है और बारिश तो बहुत ज़्यादा शुरू हो गई हमारे इधर, और थोड़े चावल बनाने हैं और मैं चावल चढ़ाने खड़ी होती हूँ, और ये हमारा तो बीमार जान को भी 10 रुपए नहीं छोड़ेंगे, देखिए पैसा नहीं छोड़ने वाले हम। हाँ